अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि फिरोज़ आज़म साहब ने जो लोग बाढ़ पीड़ित थे, जिनके घरों में पानी था, जिनको निकाल लिया गया था, फिर उनकी एक टेंशन ये थी कि वो खाना कैसे खाएंगे और कहां खाएंगे, तो फिरोज़ आज़म ने उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने खाना बनवाया और लोगों को खिलवाया और उनके घर घर तकसीम करवाया। मजा आ रहा है। चल रहा काम चल रहा है। आलू मटर के पुलाव की तैयारी लो भा, मुझे भी ले लेना है। 2015 में भी लो भा, मुझे भी ले लो। डेट हमारा भी लेना, सबको ले लिया। लंगर है जानी फिरोज आज़म की तरफ। अपना चैनल इतना मशहूर हो गया है। दोस्तों, नागदा का नया कब्रिस्तान देख सकते हैं आप। ये दरगाह, अरे नागदा का नया कब्रिस्तान, इतनी ऊपर तक पानी है, इतना कह रहे हैं नागदा में। वो वाला ले, उसका ले, उसका ले, इसका बंद है, उसका ले लिया मैंने। अजय लोड आलू यहाँ पे
विधान मानना तुम भी क्या इधर विधान के मंदिर तो अभी खाने के पार्सल हमारे पास बन गए तंबू भाई के हाथ में है। तो अभी अपन चल रहे हैं बांटने के लिए, फोन आया था बांट के आ गए एक बार तो हम, और अभी फोन आया था उनको देने जा रहा है अभी। दोस्तों अभी अपन है बांट के आ गए खाना, और अभी देखो देखो पब्लिक कैसी चूतिया बनती है, हिंदुस्तान की पब्लिक इसे ही कहते हैं। देखो अभी पब्लिक पास हम पानी देखने आ रहा है, देखो लोगों की मुसीबत। नागदा में पहली बार इतिहास में इतना पानी आया, पहली बार नागदा में इतना पानी। यहाँ पे पानी है और ये ईदगाह मस्जिद है सामने, लाइट में आपको दिख नहीं रहा होगा मेरी फ्लैश इतनी, पर हल्का फुल्का अभी ये देख सकते हैं। अभी ये ईदगाह मस्जिद का मीनार और ये यहाँ पे पानी है। पार्सल आया हमारे पास ये चंदू भाई ने तोक रखे, ये अभी जा रहा है हुसैनी मदर से देने। ये रही अपनी गाड़ी और ये रहा चंदू भाई। तो दोस्तों अभी बज रहा है रात के 2, तो चंबल नदी दिख ही नहीं रही होगी आपको, मैं बताता हूँ बैक कैमरे से। तो इतना पानी कहाँ से गिर यार? अरे अल्लाह रहम कर रे, बस अंधेरे में समझ में आया सुबह सुबह दिखेगा खतरनाक बड़ा बड़ा। देख तो रे पूरा पुल तो कोई नहीं दिख रहा, पूरा पुल साए साए कर रहा, अपन टी नहीं दिख रहा पुल तो खाली। दोस्तों अभी हो चुकी है सुबह और हम तो वही पानी में ही जीवन बिता रहे हैं, और ये हमारी गाड़ी में पेट्रोल अलग खत्म हो गया है, बेरोजगारी लिखी हुई है। ये देखो पानी तो बिकता आएगा कि आप सोच भी सकते हैं, जिसके भी रिश्ते में हार मिलने जुल वाले खराब हो गए। अभी आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और रात भर हो गई मोहल्ले की चौकीदारी करते हुए। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डला के अब निकलते हैं चाय वाय पीने में, और फिर उसके बाद देखते हैं सोने की क्या व्यवस्था। अब मोहल्ले वाले खुद मोहल्ले का ध्यान रख लेंगे अपने अपने घरों का। तो दोस्तों ये है नई कॉलोनी, मकानों की सिर्फ छत दिख रही है, देख सकते हो आप नई सिर्फ छत है और ये डबल मंजिल थी, देख लो आप। किधर का खड्डा रोड से मिल चुका, ये बहुत ऊंडा है। अभी आ चुके चंबल नदी पे और ये रही हमारी चंबल नदी, और ये जो पीछे दिख रहा है इधर, यहाँ पे मिट्टी भी धस चुकी है, और वो पाला दिख रहा है वहां सामने, और ये शमशान पूरा डूब चुका। और वो रही गुम्बद जो नई बनाई गई थी स्पेशली इसलिए, जो पुरानी छोटी गुम्बदें थी वो डूब जाया करती थी यहाँ पे, तो नई बड़ी गुम्बद जो यहाँ पे बनी थी और वो आज वो भी डूब गई, और सिर्फ उसके ऊपर झंडा, उसका कलश भी नहीं दिख रहा, उसका सिर्फ झंडा दिख रहा है, इतना पानी है नागदा में। देख सकते हैं आप क्या नदी, हाय हाय हाय, और फट रही यहाँ तो हमारी। हाँ यार ये ब्रिज हिल रही है, यहाँ पे गाड़ियाँ निकल रही बड़ी बड़ी। ब्रिज झमझम हो रहा है।
ये हमारा ज्यादा नहीं मैंने क्या मैंने सुनी जी इस चक्कर में प्लानिंग में मैंने कहा सुबह की इंतजार है इनको बस मौसम एकदम साफ और ये देखो देर है बारिश धूप निकल गई अपने इधर बस सबसे बुरा ही हालचाल अपने इधर एक मिनट में ये था और 2015 में क्या सुनो बे कम था इतना बराबर